हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर देखेंगे कि अगले ट्रेडिंग डे में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, इंट्राडे के क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर अगले ट्रेडिंग डे में। इन सभी पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है प्लीज ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का कारोबार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। करंट में प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 6,645 रुपए का। आज गिरावट देखने को मिला इस स्टॉक्स के ऊपर 31 रुपए का। प्रतिशत वाइज देखेंगे 0.47% का गिरावट आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर देखने को हमें मिला है। दोस्तों, यह स्टॉक आज ओपन हुआ था 6,690 रुपए के भाव में, हाई लगाया है इसने आज का 6,779 रुपए का। लो देखने को मिला इस स्टॉक्स में आज 6,600 का। करंट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 2.01 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है। पी रेशियो करंट में 44.92 हमें देखने को मिल रहा है। पिछले दिन यह स्टॉक क्लोज हुआ था 6,676 रुपए 10 पैसे के भाव में। 52 सप्ताह में हाई देखने को मिला इस स्टॉक्स के ऊपर 8,329 रुपए का। 52 सप्ताह का लो देखने को मिला है इसमें 4,647 रुपए 50 पैसे का। दोस्तों, ये हो गया आज का कारोबार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर। चलेंगे चार्ट के ऊपर, कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट को हम देखते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, मैं चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछले दिन मैंने क्या बताया था और किस तरीके का मोमेंटम हुआ आज हमें देखने को मिला। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पिछले दिन बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन का ऊपर के लिए ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बार बार लेके इस ट्रेंड लाइन के डाउन साइड ही क्लोज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन जब कटेगा तो हम बाइंग करके जाएंगे ऊपर के इम्पोर्टेंट कुछ टारगेट्स हैं उनके लिए। मैंने पहला टारगेट दिया हुआ था 6,770 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट आज इसने अचीव किया है। हम 6,720 रुपए के ऊपर बाइंग करके गए थे, 50 पॉइंट का हमारा टारगेट बहुत ही आसानी से कम समय में देखने को मिला इस स्टॉक्स के ऊपर। ये देखिए, यह ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यह 720 के प्राइस को बहुत आसानी से ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमारा पहला टारगेट जो था 6,770 रुपए का, उसको फर्स्ट कैंडल ही अचीव कर दिया। तो ये आज का ट्रेड बहुत अच्छा गया। चलिए देखते हैं अगले ट्रेडिंग डे में हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यह स्टॉक फिर से इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही आके क्लोजिंग हमें दिखाया है देखने को मिल रहा है। तो अब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ऊपर के लिए फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो बाइंग करके जा सकते हैं। और नीचे मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट से लेकर इस तरीके से। दोस्तों, हम सेल करके जा सकते हैं इस स्टॉक्स को इस प्राइस के नीचे 6,620 रुपए के नीचे। अब आता है या दोबारा इसी प्राइस के ऊपर गैप अप होके या धीरे धीरे करके गिरता है तो हम इस स्टॉक्स को सेल करके जाएंगे। इस आसपास यह ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसी आसपास प्राइस एक्शन के बाद अगर यह इस तरीके से गिरावट आता है इसमें तो हम इस स्टॉक्स को सेल करके जाएंगे 6,620 रुपए के नीचे। इस आसपास के भाव के नीचे हमारा जो टारगेट हुआ दोस्तों वह यह होगा 6,560 रुपए का पहला टारगेट होगा। 50 पॉइंट के करीब का टारगेट हमको यहां देखने को मिल जाएगा। और अगर यह ब्रेक हो जाता है तो दूसरा टारगेट हमारा होगा वह इस आसपास का होगा। तो 50 पॉइंट नीचे हम अपना टारगेट देख लेंगे 6,510 रुपए के आसपास, हम इस आसपास अपना टारगेट बुक कर लेंगे। दोस्तों, पैटर्न करंट में देखने को मिला हुआ, देखिए इस तरीके से गिरावट हुआ। गिरावट के बाद इसने इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिल रहा हमें। यहाँ यह स्टॉक इस तरीके से हो सकता है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन करेगा तो जहां से यह वापस गिरा था उतना बड़ा गिरावट हमें फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो दूरी है
उतना बड़ा नीचे की ओर भी हमें गिरावट देखने को इस स्टॉक्स के ऊपर मिल सकता है, तो इस बात को हम देखेंगे। दोस्तों हम इस स्टॉक्स को कौन से प्राइस के नीचे सेल नहीं करना है या कौन से पॉइंट पे यह स्टॉक ओपन हो जाता है तब हमको ट्रेड अवॉइड करना है उस दिन। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर यह स्टॉक इसी आसपास ओपन हो जाता है, गैप डाउन होकर 6600 के आसपास, तब हम इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं डालेंगे, क्योंकि पैसा बचाना यहाँ सबसे बड़ी बात है। मार्केट से जब हम अपना पैसा को सुरक्षित कर लेते हैं तभी हम धीरे धीरे करके मार्केट से पैसा बना पाएंगे, बिना पूंजी का हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आवेश में आकर हमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड नहीं डालना है। हमारा पैटर्न जब आएगा, हमको समझ में जब आए तभी हम ट्रेड डालेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड कर सकते हैं, ट्रेड छोड़ सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस प्राइस के नीचे दोस्तों 6620 रुपए इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही अगर गैप डाउन होता है तब तो हम इस स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, फिर लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन देखने के बाद ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर देखने को मिलते हैं तो ट्रेड हम लेके जा सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।